तक संजीव जी आपसे एक चीज समझ लूं। अब मैं चूंकि इसका टाइटल यूपी से हो गया है, लेकिन इस सब जगह कमोबेश वही स्थिति है। मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, ये जो एक पिछले 10 साल में पहले भी शुरू हो गया था, इसमें किसी भी सरकार को बरी नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जो संविदा पे कर्मी रखने की बात है, वो कहीं ना कहीं उस दलित वर्ग को, उस वंचित वर्ग को और डिसएडवांटेजेस पोजीशन में करती है। और संविदा कर्मी की अगर कभी भी जनगणना हो जाए, मतलब उनकी भी गणना हो जाए, तो उस संविदा कर्मी में आप ठीक से देखेंगे कि उसमें वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा। और जो एक लार्जर इशू है कि बीजेपी बार बार ये दिखाने की कोशिश करती है कि दलित वर्ग की वही सच्ची प्रहरी है, उसमें कितनी सच्चाई है, वो भी एक आपसे समझना चाहेंगे। और जरा संविदा कर्मी पे भी एक बात। संविदा कर्मी वाला जो प्रसंग है सर, वो तो सीधा सीधा है कि आरक्षण के विरोध में, वहां आरक्षण के अनुपालन के लिए बहुत मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है। यदि वहां बैठा हुआ अधिकारी का करता हो तो, और दूसरा कि तो उसमें जो प्रावधान है SC ST OBC के लिए वो लागू कराया जाए, तो दूसरा संकट संविदा वाले में है, वो है मिलने वाला वेतन दलितों के बीच में खास करके। और इस वेतन का बहुत बड़ा महत्व रहा है और उसने मध्य वर्ग पैदा किया है। आरक्षण के जरिए दलित विभिन्न सेवाओं में आए हैं। अब सबसे ज्यादा जैसे वाल्मीकि समुदाय ज्यादातर सफाई वाले काम में लगा हुआ समुदाय है। अब जब तक उनका उनकी नौकरियां यदि परमानेंट और उस स्ट्रक्चर पे उन्हें वेतन मिलता रहा है, तो उसका फर्क पड़ता है, उससे उनके घर परिवार बाल बच्चों पे फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप संविदा वाले प्रोसेस पे आते हैं तो वेतन भी कट शॉर्ट होता है। तो एक तो नौकरियों से बाहर, और जो आते भी हैं तो उनकी सैलरी कम। तो ये बहुत बड़ा संकट है और पूरे देश भर में है। ये गुजरात पर यदि अध्ययन किया जाए तो गुजरात का तो मॉडल एकदम से सबसे न्यूनतम के, मुझे लगता है कहीं शिक्षकों के मामले में मुझे जानकारी थी, सबसे न्यूनतम पेमेंट मिलता है। डॉक्टर साहब जिस पेशे से हैं, बहुत ज्यादा मेडिकल सेक्टर में प्राइवेट प्राइवेट उसका निजीकरण हुआ है। तो ये है नीति के स्तर पे। संविदा वाला जो मामला है उसका मार तो दलित वर्ग पे ज्यादा पड़ता है। और जाहिर है कि पिछले 10 सालों में इसका इसकी जो गति है वो तेज हुई। जहां तक RSS और BJP का प्रसंग है, तो देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपना, एक तो वो दलितों के नेता नहीं थे, वो भारत के नेता थे। और उनके वो एक ऐसा महामानव है वो, जो यथार्थ में सोचते, यथार्थ में यूटोपिया रचते। कोई ऐसा जड़ विहीन यूटोपिया उनके पास नहीं है, और वो यूटोपिया है इक्वालिटी का, समता का। और वो बार बार सिस्टम में जा करके उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए। सबसे पहले मैं अक्सर कहता हूं, मेरे पीछे स्त्री काल लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, सबसे पहले मैं कहता हूं कि बिना किसी इफ नो बट के महिलाओं को तो डॉक्टर बाबा साहब का अनुरक्त होना चाहिए। इतना काम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया है, वैचारिक रूप से भी, ये जो उनके उस दौर के तमाम चिंतकों में, राजनेताओं में सबसे प्रोग्रेसिव स्टैंड उनका रहता रहा है। व्यवहारिक तौर पे भी इन्होंने जब 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 मौका मिला, चाहे बॉम्बे प्रोविंस में वो गए हो, तब भी जब वो 1942 में मंत्री बनकर के आते हैं, तब भी लेबर मंत्री बनते हैं, तब भी, तो कई सारा, इवन महिलाओं के अलग प्रसाद, छुट्टियां, जितनी कल्पनाएं आप कर सकते हैं जो उस महिलाओं के फेवर में जो अभी दिखाई पड़ता है सामान्य सा, वो सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। मेंसुरेशन लीव, ये सब उनकी व्यवस्था की हुई है। तो महिलाओं को तो किसी भी SC ST OBC ब्राह्मण, ये हिंदू कोर्ट बिल तो ऐसी कथा है कि वो उसके लिए तो ब्राह्मण महिलाओं को उसमें जो बवाल कटा, और काटने वाले कौन थे? RSS के ही लोग थे, वो कांग्रेस के भी भीतर थे, कांग्रेस के बाहर भी थे, उस समय जनसंघ के लोग थे तमाम। तब उनको क्या चिंता थी कि हमारी ये घर बर्बाद हो जाएगा यदि उनकी बेटियों को प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, यदि तलाक का राइट मिलेगा। उस दौर तक इनको मुसलमानों की शादी की चिंता होती है। मैं अक्सर उसको कोट करता हूं कि दरभंगा के इलाके में
उच्च कुलीन ब्राह्मण 40-40 शादियां करते थे ब्राह्मण महिलाओं से, पार भी नहीं करते थे, तो उस पे नियंत्रण, क्योंकि हिंदू कोर्ट बिल तो इसके लिए था, तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों में हड़कंप मच गया। इस एक काम के लिए प्रॉपर्टी में राइट, तलाक का अधिकार, मोनोगैमी, इन सब के लिए सभी कम से कम ऊंची जाति की महिलाओं को उसके लिए बाबा साहब अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता के भाव में होना चाहिए। तो ये एक तो एक बड़े उसमें तो उनका मूल टकराव जो था वो, देखिए रिश्ते उनके सबसे हैं, आरएसएस वाले करते क्या है, आरएसएस वालों ने पहले राउंड में आए तो बाबा साहब के हाथ में गीता थमा दिया, हरियाणा के पूरे उस इलाके में डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ में गीता ही गीता है, वैचारिक रूप से वो गीता के चातुर्वर्ण सिस्टम के खिलाफ है। 32 में ही कह चुके हैं कि हम पैदा हुए हिंदू लेकिन मरेंगे हिंदू नहीं, और वो जो उन्होंने वादा किया वो 1956 में वो करके जाते हैं। आरएसएस वाले क्या करेंगे कि कुछ संवाद हैं उनके, उनके संवाद सावरकर से भी है, उनके संवाद मुंजे से है, उन संवादों में से कुछ बातें करके कुछ इधर उधर से, अब जैसे थॉट्स ऑन पाकिस्तान, यह कम्युनिस्टों ने भी गड़बड़ की है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी की है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मुसलमान विरोधी छवि बनाने में कम्युनिस्टों की बहुत, कम्युनिस्ट विचारकों की बहुत बड़ी भूमिका है। जो व्यक्ति धर्म के खिलाफ, धार्मिक रूढ़िवादिता के खिलाफ लड़ रहा हो, जिसने बौद्ध धर्म को भी बदल करके अंगीकार किया, बौद्ध धर्म को भी ह्यूमन बना करके, ज्यादा ह्यूमन बना, ह्यूमन रहा है और ह्यूमन बना करके जिसने अंगीकार किया हो, वो जब इस्लाम पे लिखेगा, जब मुस्लिम प्रॉब्लम पे लिखेगा तो यथार्थ में ही लिखेगा ना। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी, तो उसको अलग से एक तरह से आइसोलेट करके देख करके बहुत सारी घटनाओं को कम्युनिस्टों ने भी ऐसा करने की कोशिश की है। खैर, तो वो उनका पूरा, तो अब ये पूरा जो सुधार का प्रोसेस है जिसका बेनिफिट दलितों और महिलाओं दोनों को है डॉक्टर अम्बेडकर के जरिए, उसके खिलाफ आरएसएस और उसका आगे का तंत्र, जनसंघ और ये हमेशा रहा है। संयोग कभी कभी ऐसा रहा, चूंकि कांग्रेस सत्ता में थी, 1989 में जब रिजर्वेशन का मामला आया बीपी सिंह के जरिए, तो संयोग यह था कि कांग्रेस विरोध में ये दोनों वामपंथ भी बाहर से समर्थन कर रहा था और बीजेपी वहां शामिल थी सरकार में, तो वो लगता है ये दावा करते हैं आरक्षण हमने दिया, लेकिन हम आप सब जानते हैं कि कथा क्या है। कथा वही है जो बिहार में हुआ, बिहार में जब अभी अति पिछड़ों का रिजर्वेशन बढ़ा तो सबसे ज्यादा बेचैन जो है वो बीजेपी समर्थक वर्ग हुआ, मुकदमे में गया और तमाम चीजें जो हुई अंततः स्टे ही आ गया है, अब वो गया सुप्रीम कोर्ट की ओर। तो ये एक तंत्र है, तो बहुत फेमस है कि मंडल के बरक्स इन्होंने कमंडल कर लिया, रथ यात्रा कर दी, दावा ये करते हैं कि वो हम थे सरकार में तो, लेकिन बेसिक ये है कि हमेशा, और ये बात दलित वर्ग समझता है, भले ही टैक्टिकली कई बार वहां आपको उनके नेता दिखाई पड़े, वहां उनके ये दिखाई पड़े, इस बार कम से कम अखिलेश जी ने पीडीएफ फॉर्मूले को कहते हुए और करते हुए, इस बार सिर्फ कहा नहीं उन्होंने, किया भी, ये जब किया है तो उसका आप रिजल्ट भी देख रहे हैं। कांग्रेस को थोड़ा और करने के, कांग्रेस को ब्लॉट बहुत ज्यादा है, कांग्रेस ने काम बहुत किया है, कांग्रेस अपने ही कामों को भूल जाती है, उसको एक क्लब करके जनता के बीच में ले जाने की जरूरत है, लोगों में विश्वास जगाने की जरूरत है, और ये नहीं कर पाने के, इवन बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू के रिश्तों की जो है, मैं अक्सर समझता हूं कि वैचारिक रूप से डॉक्टर अम्बेडकर जवाहरलाल नेहरू के साथ थे,